गाइस ये कुत्ता मैंने पहले भी देखा था। ओह माय गॉड, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, ये ट्राई मत करना घर पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और काफी दिनों से टाइम नहीं लग रहा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि व्यस्त चल रहे हैं हम। और अभी अभी भी हम इंटरव्यू दे के आए हैं। इंटरव्यू चढ़ा पड़ा मेरे वीर, क्योंकि अभी हमने ना लॉन्ग टर्म के लिए सोच लिया है कुछ। अब हम इंटरव्यू देना है, बड़ी बड़ी कंपनियों ज्वाइन करनी है। तो गाइस, अंग्रेजी वाले हम बट काट देते हैं, क्यों मंडी? बिल्कुल जी, ये पीनी है, चेरी की तरह वाट देते हैं हम। पीनी है ये, देखो आ जाओ। अगर पीनी है मैं इसको चीर के ना चाटूंगा फिर फेंकूंगा। ये बड़ा पैसे वसूल करने वाला बंदा है ये अगर कहीं खाने भी जाए ना, वो कागज तक खा जाता है उसका। ये बाल देख रहे हो, जीरो कटिंग है मेरे वीर, जीरो फौजी। और इधर तो है ही फिर आर्मी वाले। तो गाइज आज हम जा रहे हैं, आज हमें छुट्टी है, यू नो आज हम वेले हैं, पता ही है ना। फिर आज हम घर के काम भी करने हैं हमें। मैं तो कपड़े धोवाया हूँ, अभी भाई ने कपड़े धोने हैं, हम सर्फ लेने जा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं, ये देखो कपड़े धोने हैं हमने, नाखून काट रहे हैं, ऊपर नेल पॉलिश लगानी है। बड़े काम है यार। और आज मारना कमरे की सफाई करनी है। धूप भाई, दूप जिसका वेट था ना, फर्स्ट क्लास धूप निकली है। आज हम जा रहे हैं फिर पार्क में, थोड़ी धूप सेकेंगे, उसके बाद फिर करेंगे अपने काम। चिल मोड होना हमारा, फिर सोएंगे, फिर रात को खाएंगे और पियेंगे, फिर लेट जाएंगे, 3x2 जाएंगे स्पेशली। जिम भी जाना है, हमारा वीकेंड तब तक सक्सेसफुल नहीं रहता जब तक हम 3x2 ना जाएं। और मेरे को जिम भी जाना है आज। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं वही पार्क, आपको नाम तो पता ही होगा, पुट्ठा सा नाम है, कौन सा नाम है भाई? बोगनविला पार्क। दिखाते हैं फिर बोगनविला पार्क में आपको क्या क्या है। देखो गाइज बड़ा ही सुंदर पार्क है गाइज, धूप में तो और भी सुंदर हो जाता है। ये फाउंटेन है लेकिन ये चल नहीं रहा, और ये पे ओपन जिम है, करनी है भाई जिम? जिम मार बार कैसे मारता है जिम? ये इसको ऐसे पकड़ लेना है ना। हाँ और ऐसे करके मारनी है कि बस जाके नहीं खींचे निकल जाए। बंदे उन्होंने करना गोता। तो गाइस देखा आपने कैसे जिम मारता है ये गाइस, बड़ा गैंड। देखो बोगनविला पार्क, ये मोड़ में आपको दिखा दिया ना बोगनविला पार्क, चला बैठ। तो गाइज आज धूप बड़ी मस्त खिली है कसम से भाई, आज जितने भी अंदर ठंड थी सारी निकल गई है। जिसको धूप सेकनी है बोगनविला पार्क आ जाए। सही बात है, इस सीजन की पहली धूप है ये, और ऐसे सेक रही है छत तान के, बिल्कुल मज़ा आ गया भाई। गाइज अभी हम पार्क में घूम लिए, धूप वगैरह हमने सेक ली है, अभी हम रूम पे जाने का हमारा प्लान है। कपड़े धोने का प्रोसेस लगाते हैं, और थैंक यू है क्योंकि कपड़े फिर यू नो खुद ही धोने पड़ते हैं ना, क्यों भाई मैंडी? फिर आटा कपड़े तोंदी नू बड़ा याद आउंदी, नी बेबे तेरी आटे दी चिड़ी। आटे दी चिड़ी वाले कॉपीराइट ना मार दियो। गाइस ये कुत्ता मैंने पहले भी देखा था। ओह माय गॉड, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, ये ट्राई मत करना घर पे, ये तो पूरा पैर से आप हाथ धो बैठोगे अपने। अगर पैर में मुंह में डाल लेता ना ये तो कुत्ते फड़ने वाला भी है ना। बार टाइम यहाँ पे हमारे कुक सब्जी खरीदते हुए। हाँ जी भैया। तो गाइस ये देखो सब्जियों की शॉपिंग, मैं केले और ये देखो सब्जियों की शॉपिंग कर ली है हमने, प्याज टमाटर वगैरह, मतलब कि समझ जाओ कोई प्रोग्राम है आज। प्रोग्राम समझे हो ना, समझ रहे हो ना, हम बताएंगे नहीं, कमेंट कर देना, खुद ही बता देना क्या प्रोग्राम है। घर आ गया, ये खड़ी है हमारी रेंज ओवर, ये देखो। और हे यूरोप राज घूमे तेरा यार नहीं हो रहा, इस राम कौन पूछ रहा। तो अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ, वो सामान रख दिया मैंने, और अभी थोड़ी करेंगे रेस्ट, फिर 4 बजे उठ के जाना है मुझको जिम, क्योंकि जिम भी तो जाता हूँ मैं। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जिम, तो
जैसे ही 4 बज चुके हैं, अभी मैं जिम का टाइम हो गया, जिम जा रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं जिम में। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम अपनी जिम के पास, वो है हमारी। ताज्जुब की बात ये है भाई, हमारी जिम के नीचे ठेका है, ऊपर जिम है। वो देखो वो रही। जिम तो गाइस अभी हम शुरू करते हैं जिम। मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं, अभी मेरे पास जाने का टाइम है। तो गाइस जिम से निकल चुका हूँ मैं, अंधेरा हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल रूम पे। रूम पे लेंगे अपने अंडे वंडे, डाइट वगैरह। तो मिलते हैं फिर रूम पे जाके इंसान से। हेलो हेलो, हाँ जी। कहते आशकों होंगी है बीमारी डूंगी। ये शायरी करते रहता हर टाइम। आ जा भाई कल दे रूम में। लो सुन लो गल, मैनू लगता गुरु ने मेरी सारी शायरी ऐडा ब्लॉगा च लीक करवा देनी है। ये आन रिलीज नहीं होंदी। शायरी आ जाए फिर, शायरी आ जाए। हूँ तो मैं चेता ही भुल गया, कहता कि हाँ यार कैम पे आगे क्यों भुल जाती शायरी। ये हूँ मैं कमरे से सुनावगा, नर्वस हो रहा। मैं याद कर लूँ दो अच्छ पहले। गाइस देखो यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, लाइटें कोई नहीं ऑन कर रहा क्योंकि सब पैसे बजाते हैं यहाँ पे। क्यों मंडी की सब की सब पैसे बजाते हैं यहाँ पे, लाइटें नहीं ऑन कर रहा कोई। बिल्कुल बिल्कुल, दोपहर लोग चले जाते हैं ना। तो गाइस रूम पे आ चुका हूँ और मैं थक भी चुका हूँ क्योंकि जिम में 2 घंटे बड़ी मशक्कत मेहनत की है आपने देख लिया है। तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और मिलेंगे कोई न्यू ब्लॉग लेके, अच्छी अच्छी जगह पे जाएंगे जब, और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।